हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज, आज मैं आपके साथ कुछ रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज करके आप अपने आईब्रोज को मोटा कर सकते हैं, यानी कि घना बना सकते हैं, काला कर सकते हैं। बहुत लोगों की जो आईब्रोज होती हैं वो घनी तो होती है बट वो ब्राउन कलर की होती है, इसलिए वो इतनी घनी नहीं लगती है। तो इसे यूज करके आप अपने आईब्रोज को घना भी कर सकते हैं और काला भी बना सकते हैं। इसके साथ ही इस रेमेडी को आप अपने आईलैशेस पे भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपके जो आईलैशेस होते हैं वो भी घने हो पाए और काले हो पाए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ दो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक ट्रिक भी शेयर करूंगी जिससे आप इंस्टेंट अपने आईब्रोज को काला कर सकेंगे, तुरंत ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी वो रेमेडी है जिसे यूज करने के बाद हमारे जो आईब्रोज है वो काली भी होंगी और घनी भी होंगी। चलिए देखते हैं वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ ही बेल बटन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जो सबसे पहली मेथड है वो है हम क्रीम बनाएंगे अपने आईलैशेस के लिए और अपने आईब्रोज के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं एलोवेरा जेल, और यहाँ पे हम मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे, प्लांट वाला यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम प्लांट वाला यूज़ करते हैं तो ये जो हमारा क्रीम है ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, और अगर आप मार्केट वाला यूज़ करेंगे तो ये आराम से आपका 1 मंथ तक चल जाता है। तो यहाँ पे हम एलोवेरा जेल ले रहे हैं 1 टीस्पून जितना, थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाइएगा क्योंकि ये जो है क्रीम थोड़ी सी लगती है, आईब्रोज और आईलैशेस के लिए है तो बहुत ज़्यादा लगती भी नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं विटामिन ई का जो ये ऑयल है, इसे ऐड करेंगे। तो ये कैप्सूल, एक कैप्सूल मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके जगह पे आप आमंड ऑयल यूज़ कीजिएगा, उसमें भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो आप 1/2 टीस्पून जितना उसे ले लीजिएगा, उसे ले कर यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बालों को लंबा करने के लिए, घना करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये आपके आईब्रोज के बालों को, आईलैशेस के बालों को भी लंबा करेगा, घना करेगा। तो यहाँ पे मैंने एकदम थोड़ी सी, यानी कि 1/2 टीस्पून जितना ही यहाँ पे हमने ऑलिव ऑयल भी ले लिया है। अब इसे भी इसमें हमने डाल दिया है। अब हम लास्ट यहाँ पे लेने वाले हैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हम सबको पता है बालों के लिए कितना अच्छा होता है। अगर बाल आपके रीग्रो नहीं कर रहे हैं या बाल बहुत टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उसके लिए कैस्टर ऑयल बेस्ट माना गया है। तो यहाँ पे हम कैस्टर ऑयल ऐड कर देंगे। अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। तब तक मिक्स कीजिएगा जब तक इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जो है वो एकदम क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए, तब तक इसे आप मिक्स कीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तब तक आपको इसे मिक्स करना है जब तक ये क्रीम कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो इसे मिक्स करने के बाद आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से बंद करके रख दीजिएगा। ये आपका 1 मंथ तक आराम से चल जाएगा, ये क्रीम बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह से आप बना के इसे 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख लीजिएगा। और ये देखिए हमारा जो क्रीम है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, एकदम इसी कंसिस्टेंसी का आपका क्रीम बनना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड मेथड की तरफ। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं ऑयल। जी हाँ, हम ऑयल बनाएंगे जो कि आपके आईब्रोज के लिए और आपके आईलैशेस के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल। सरसों का जो तेल होता है ये आपके बालों को काला भी करता है, घना भी करता है, लंबा भी करता है। तो यहाँ पे हमें अपने आईब्रोज को घना भी करना है और काला भी करना है। जिनके आईब्रोज थोड़े से ब्राउन कलर के होते हैं उन्हें डार्क कलर में भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो मस्टर्ड ऑयल हम बहुत थोड़ा सा ले रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून जितना मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो है आंवला। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेश आंवला है, तो फ्रेश आंवला मैंने लिया है। फ्रेश आंवला इसे अच्छे से ग्रेट करके मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना आंवला ले लिया है। फ्रेश आंवला हो तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जितना आंवला डाल दिया है। अब हमने यहाँ पे आंवला ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं मेथी दाना। आप सबको पता है मेथी कितना अच्छा होता है बालों के लिए, प्रोटीन होता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो जितने भी बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, उन सब के लिए मेथी बहुत अच्छा होता है। तो आपके आईब्रोज को भी ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होगा ये मेथी। तो मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच जितना मेथी ले लिया है। अब हम लेने वाले हैं कलौंजी। कलौंजी आपके बालों में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए कलौंजी बहुत अच्छा है। तो ये आपके बालों को काला भी करेगा, घना भी करेगा। तो इसे भी मैंने 1/4 चम्मच जितना ही ले लिया है। अब इन सबको हमें पकाना है। तब तक पकाना है जो आप इस पर जो बबल्स देख रहे हैं ये सारे हट ना जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने फ्रेश आंवला का यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो आप
पाउडर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पाउडर लेंगे तो इसे बहुत अच्छे से छानिएगा, कपड़े की हेल्प से छानिएगा, ताकि एक भी पाउडर का जो पार्टिकल है वो ऑयल में ना आए, क्योंकि हम इसे अपने आँखों पे यूज़ करेंगे तो अगर आँखों में जाएगा तो ये लग सकता है। इसीलिए आप इसे कपड़े से बहुत अच्छे से छानिएगा 2 से 3 बार, और हो सके तो आप फ्रेश आंवला यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो आप देख सकते हैं जो बबल्स है वो बनना कम हो गए हैं। तो अब ऑलमोस्ट हमारा ऑयल डन हो गया है, तो इसे भी हम गैस का फ्लेम बंद करके इसी में छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, तो ये देखिए हमारा ऑयल बन के रेडी हो गया है। अब इस ऑयल को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, और ये ऑयल आपका 3 से 4 महीने तक चल जाएगा। तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके स्टोर करके रख लीजिएगा, आपके आईब्रोज़ के लिए, आपके आईलैशेस के लिए। तो गाइज यहाँ पे हमने क्रीम बना लिया है अपना, ये देखिए क्रीम भी है और हमारा ऑयल भी बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए क्रीम और ऑयल दोनों बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे लगाने का तरीका जान लेंगे, क्योंकि इसे लगाने का तरीका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से लगाते हैं तो ही इसका रिजल्ट आपको अच्छे से मिलता है। तो पहले हम क्रीम लगाएंगे, तो क्रीम हम किस तरह से लगा सकते हैं वो हम जान लेते हैं। तो क्रीम आप अपने हाथों से लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई पुराना मस्कारा ले सकते हैं। इस तरह से इसे अच्छे से धो लीजिएगा, इसके वॉन्ड को अच्छे से धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, इसकी हेल्प से लगा सकते हैं। या फिर आप क्यू टिप यानी कि ईयरबड ले सकते हैं और इसकी हेल्प से भी आप अपना क्रीम लगा सकते हैं। तो गाइस जब भी आप क्रीम लगाएंगे तो क्रीम आपको लेके लगाना है इस तरह से। आप मस्कारा के वॉन्ड को ले लीजिएगा, इसमें आप क्रीम लगाइएगा, और आपके फेस पे मेकअप नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए आपके आईब्रोज पे, या आपने कोई भी प्रोडक्ट लगाया हुआ है तो उसे रिमूव कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने किस तरह का कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ है अपने आईब्रोज पे, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लगाना है, इस तरह से, और ये आपको रूट पे लगाना है, जहां से आपके आईब्रोज जो है वो निकल रहे हैं वो रूट पे आपको लगाना है, ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके। इस तरह से आप इस तरह से आईब्रो पे लगाएंगे, आईलैशेस पे भी आपको इसी तरह से लगाना है। आप अंदर से इस तरह से लगाएंगे ताकि ये इसके रूट पे लग सके और ये अपना काम कर सके। और इसे आपको रात में ही लगाना है, दिन में नहीं लगाना है। तो इस तरह से आपको लगाना है, ध्यान रखना है कि ये रूट पे लगे। अगर आप फिंगर टिप से भी लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि रूट पे लगे। इस तरह से ये हो गया, इस तरह से हम लगा लेंगे अपना क्रीम। अब हम लगाने वाले हैं ऑयल। मैं यहाँ पे दोनों एक साथ करके बता रही हूँ, आपको दोनों को एक साथ लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप ऑल्टरनेट डे पे दोनों को लगा सकते हैं। एक दिन क्रीम लगाइए, एक दिन ऑयल लगाइए। तो अब मैं इसे रिमूव करती हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे आपको ऑयल लगा के दिखाती हूँ कि ऑयल किस तरह से लगाना है। तो हमने क्रीम अप्लाई कर लिया, अब हम ऑयल अप्लाई करने वाले हैं अपने आईब्रोज पे। तो जब भी आप ऑयल लेंगे तो ऑयल को आपको अपने आईब्रोज पे मसाज करना है। आप चाहें तो इसे अपने आईलैशेस पे भी लगा सकते हैं, बट ये स्पेशली आपके आईब्रोज को थिक करने में हेल्प करने वाला है, घना करेगा, काला करेगा। तो इसे आपको अपने फिंगर टिप पे लेना है, थोड़ा सा वार्म कर लीजिए इसे, आप इस तरह से वार्म कर लीजिए लेके, और इसके बाद आपको इससे अपने आईब्रोज की मसाज करनी है इस तरह से। पहले आप इधर लगाएंगे, फिर आप इधर उल्टा जाएंगे, ताकि ये रूट में भी अच्छे से लगते रहे। तो इस तरह से आपको मसाज करना है, हार्डली आपको 1 से 2 मिनट मसाज करना है, इससे ज्यादा मसाज नहीं करना है। तो इस तरह से आपको इस तरह से मसाज करना है, और ये भी आप रात में करेंगे, रात में करके आप सो जाएंगे, सुबह में आप इसे वॉश करेंगे। तो इस तरह से आपको मसाज करना है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ मैं मसाज कर रही हूँ, तो इस तरह से ये मसाज हो जाएगा। तो आईब्रोज आप मसाज कर लीजिएगा। अब इसे अगर आपको लगाना है अपने आईलैशेस पे, तो इसे आईलैशेस पे आप जहां से ये आपके आईलैशेस निकल रहे होते हैं, ये जगह पे आपको यहां पे रखना है, ये जगह पे, यहां पे जहां से आपके आईलैशेस ग्रो कर रहे होते हैं, इस जगह पे आपको रखना है, ताकि आपके आईलैशेस भी जल्दी लंबे हो सके। तो इस तरह से लगाएंगे और नीचे से इस तरह से करेंगे, और ये ऊपर और नीचे दोनों आईलैशेस पे आपको करना है, इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से आपको आईलैशेस पे लगाना है और अपने आईब्रोज पे लगाना है। तो ये तो हो गया, ये जो है रेमेडी, इस तरह से आप अपने आईब्रोज को काले कर सकते हैं, मोटे कर सकते हैं, घने कर सकते हैं। बट आप ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी थोड़ा सा टाइम लगता है,
और इस बीच अगर आपको बाहर जाना है और आपको अपने आईब्रोज पे जो है वो सफेद बाल दिख रहे हैं तो उसे कैसे कलर करें, कैसे इंस्टेंट रिजल्ट मिले आपको, तो उसके लिए एक ट्रिक है गाइज। अगर आपके आईब्रोज के बाल जो है वो सफेद हो गए हैं और आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए यानी कि तुरंत आपको ब्लैक करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से कोई भी ब्राउ पोमेड ले सकते हैं और इसकी हेल्प से अपने हेयर जो है आईब्रोज के हेयर जो है उसे इंस्टेंट आप कलर कर सकते हैं। आप चाहे तो काजल का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी ब्राउ प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, बट अगर आप काजल का यूज करते हैं तो आप इसे ब्रश की हेल्प से लगाइएगा, इसे डायरेक्ट काजल को अपने आईब्रोज में मत लगाइएगा, बहुत आर्टिफिशियल सा लुक आता है। तो इस तरह से आपको लेना है ब्राउ पोमेड को लेके, जहां भी आपको सफेद बाल होंगे आपके आईब्रोज पे व्हाइट हेयर होंगे उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से ऐसे प्लेस कर देना है और इसे हाइड कर देना है, और ये आपका इंस्टेंट जो है आपके बालों को, आईब्रोज के बालों को काला कर देगा। तो अगर आपको इंस्टेंट कलर चाहिए, आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं और आपके आईब्रोज के एक दो बाल जो है वो सफेद दिख रहे हैं, तो इस तरह से इंस्टेंट आप इसे ब्लैक कर सकते हैं। तो ये जो तीन मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप ये तीनों मेथड यूज कर सकते हैं। आप क्रीम भी लगा सकते हैं, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अगर आप क्रीम लगाते हैं तो ऑयल ना लगाएं, ऑयल लगाते हैं तो क्रीम ना लगाएं। ऑल्टरनेट डे पे दोनों को आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप पार्टी फंक्शन जा रहे हैं, आपके बाल जो है सफेद दिख रहे हैं, तो आप ये जो इंस्टेंट मेथड है इसे यूज कर लीजिएगा। तो गाइस एक समय था जब लोग पतले आईब्रोज रखते थे, पतले आईब्रोज बनवाते थे, जिनके पतले आईब्रोज नहीं होते थे, चौड़े होते थे, मोटे होते थे, वो भी जाके स्पेशली पार्लर में अपने आईब्रोज को पतला करते थे, पतला बनवा लेते थे, बहुत थिन बनवाते थे, आपने देखा होगा। तो अब जो ट्रेंड है, अब जो फैशन है, इसमें लोग मोटे आईब्रोज रखते हैं, चौड़े आईब्रोज रखते हैं। तो आईब्रोज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फीचर्स को एनहेंस करने के लिए, आपके फेस के जो फीचर्स होते हैं उनको एनहेंस करने के लिए आईब्रोज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा सा फ्रेम मिल जाता है, अगर आपकी आईब्रोज अच्छी है, चौड़ी है, घनी सी है आपकी आईब्रोज, तो आपके फेस को काफी अच्छा सा एक फ्रेम मिल जाता है। अगर आपने सिर्फ अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल किया हुआ है और एक लिपस्टिक लगाई हुई है, तो इससे ही आपका जो मेकअप है वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपने अपने फेस पे कितना ध्यान दिया हुआ है, कितना टाइम दिया है, टाइम देके आपने मेकअप किया हुआ है। तो आईब्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज जो रेमेडीज मैंने आपके साथ शेयर की है, इस रेमेडीज से आप भी अपने आईब्रोज को मोटा कर सकते हैं, घना कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये जो रेमेडी है ये आपके आईलैशेस को भी घना करेंगी, इसके साथ ही लंबा भी करने में हेल्प करेगी। तो ये दोनों रेमेडीज आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आप ये जो ट्रिक मैंने बताया है इसे कर लीजिएगा, ताकि आपके जो आईब्रोज है या फिर उनके बाल जो है वो सफेद हो चुके हैं तो आप उसे काला भी कर सके। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जो बेल का बटन है उसे हिट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।